गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आए अपने खेत पर, मूंगफली के खेत में। दोस्तों पानी लगाएंगे, सिंचाई करेंगे। देखो सेक्शन मैंने लगा लिया है, यहाँ से काफ़ी दूर है दोस्तों खेत। वो रहा वहाँ पर, उस जगह है मूँगफली वाला खेत दोस्तों। तो वहाँ पर पानी ले जाने की व्यवस्था वैसा वो नाली वगैरह नहीं है, लेकिन ये सेक्शन ये लगा लिया है दोस्तों, इसी से पानी पहुँचेगा वहाँ तक। और ये देखो इसमें मक्का में स्प्रे करने को भी है दोस्तों, इसमें कीड़ा वगैरह लग गया है इसमें, तो इसमें स्प्रे भी करेंगे दोस्तों। इसमें दवाई लेके आए हैं मक्का के लिए। देख लो ये पत्ती, ये देखो कीड़ों ने खा ली है। देखो ये इसमें, ये देखो इसमें छेद है, और ये देखो ये ख़राब कर दिए। तो इसमें दोस्तों स्प्रे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी दवा मक्का, और उसके बाद में इसमें पानी लगा देंगे। ये वाले खेत में मक्का अच्छी है दोस्तों, देखो और इसमें कीड़ा भी नहीं लगाया ज़्यादा। तो ये रहा मूंगफली का खेत दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी मूंगफली हो गई है। अब वहाँ से पानी आता है देखो कहाँ दोस्तों। हम बहुत परेशान है, सुलेखा की तबीयत और नहीं ठीक रहता है, दवाई ले आए, आराम नहीं मिल रहा उन्हें। अब दूसरी जगह दिखाए जाएँ, आज हम मूँगफली में जो पानी लगाए दें, फिर उन्हें दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे, दूसरी जगह ले जाइए उन्हें। जो पार्सल प्रॉब्लम थी दोस्तों उनको, जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन इनको हो जाता है बुखार की वजह से, वही फिर दोबारा से प्रॉब्लम हो गई उनको। जो पिछले साल आपने देखा होगा मैंने वीडियो डाला था दोस्तों, तो वही वाली प्रॉब्लम फिर दोबारा से इनको हो गई। अब इसमें थोड़ा पानी यानी वगैरह ये फसल का कंप्लीट कर दे, फिर हम जाएँ। ये सूख रही थी बहुत ज़्यादा, फिर उनको दिखाएंगे कहीं ले जाके। देखो फूल आने लगा है मूंगफली में, बहुत ज़्यादा सूख रही थी। दो दिन पहले ही था पानी लगने को, लेकिन टाइम नहीं मिला इतना, इधर उधर उनको ले जाते रहे इस वजह से। दोस्तों हमने अपने छोटे भाई शिवम और अपने चाचा को बुलाया दोस्तों अपने खेतन पर, भाई सब हमें जान पड़ रहा है टावा सुलेखा की तबीयत नहीं ठीक है, तब वजह से दवाई वाई उनके लिए भी गई। अब कॉल आई हम घर से, तो हमने चाचे और शिवम को बुला लो दोनों लोग, उनको अब जाए दोनों लोग। एक लोग सिंचाई करते रहे मूँगफली में, एक लोग स्प्रे कर दी मकान। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, खान पान में कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ उपलब्ध रहकर फिर हम पता नहीं कहाँ से बीमारी आ जाती, बहुत परेशान है बहुत ज़्यादा। दो सेले में पानी हुए फाओ, अब आधी तो ज़्यादा भरवे को रखी है, कजारम है नहीं है, बुखार है, आराम नहीं है। चलो तैयार हो ले भाई, चल रही टावा चलेंगे ठीक, चलो तैयार हो जाओ। का घबराहट हो रही, घबराहट अच्छा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। चलो तैयार हो ले, हम नहा लें जल्दी ठीक। खेत ने पानी यानी दिखवा लियो, यहाँ काय वजह हम तो जा रहे टाबा इन्हें लेवाए के। आ जाए दिखा लिया, तो तबीयत ज़्यादा खराब है। वैसे हम नॉर्मल डॉक्टर से दिखाते नहीं, हम सोचे चलो देख लें, आराम नहीं मिलो नहीं चलो इटावा ही ले चले ना। दिखाओ तो गाँव आराम नहीं मिली, उदम ना करियो ठीक है। हाँ ना, अब मैं परेशान करो तुम ठीक। अब आ रही मम्मी घर की दवा लेके आए, रुपया दे दे, चलो हम तुम्हें पैसा दे दिए ठीक है ना, वैसे नहीं हाल ही दे दिए दवाई। तो हम लोग तैयार हो गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से, जाँच ले लीजिए जाँच जो करा ली है, चलो चेक कर ली। हाँ ठीक है ठीक।
हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग हमारे फैन मिल गए दोस्तों, तो जाने पहचाने मिल गए, सभी लोग पहचान लिया, बोल रहे थे कि वीडियो बनाते आप लोग, हमने कि हाँ। इस वजह से दोस्तों हम लोगों का काम आसान हो गया, क्योंकि ना वैसे तो नंबर लगता, तो नंबर लगे में 72-73 नंबर था हमारा, लेकिन नंबर से पहले ही हम लोगों को दवाई दिला दी गई। वहाँ से बैठे थे 4-5 घंटे लगते कम से कम, लेकिन वहाँ पर 20 मिनट के अंदर हम लोगों को दवाई मिल गई। चलेगा अच्छी बात है, लो था वैसे जल्दी नंबर वम्बर लग गया था, शाम लग जाती जी ना बोलो। सुलेखा भी आराम कर रही है और सुलेखा का फैन देखो। मैं स्कूल से आया सीधा, स्कूल से आया सीधे, जैसे इन्हें पता लगे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये तो और कहाँ, हाँ भाई अब आराम है, है? आराम आ जाए, अब इंजेक्शन लगाना था, इस वजह से थोड़ा नशा है, वायर हुए हैं। देखो तुमसे मिलने के लिए, देखो जी अपने कॉलेज से आए हैं और ये दीदी आई साथ में। दवा ले रही है दोस्तों, अपने कर रहे हैं हम घर के लिए, और यहाँ सभी लोग जान पहचान मिल गए, इसलिए सुलेखा का नंबर जल्दी लग गया। वैसे बहुत परेशान है सुलेखा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेट में दर्द तो नहीं होगा। तो हम चल रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से दोस्तों। तो हम लोग घर पर आ गए हैं, दरस कहाँ के? यस दरस दोबारा बैठ को काम कर रहे हैं। जा बुला रहा कोई, मम्मी आएगी, जा अब तो बुखार तो है नहीं है, अब वो घबराहट हो रही। चलो आराम आराम कर लियो, ठीक का काम कर रही थी, कर ले आ गई मम्मी है। देखो दरस मम दरस यस दोनों अपनी मम्मी के, एक लोग सर दबा रहे, एक लोग पैर दबा रहे। परहेज में देखो मूंग की दाल बताई गई है मम्मी को, और देखो पापा मूंग की दाल बना रहे हैं, देखो मम्मी के लिए। परहेज में मूंग की दाल और दलिया, हाँ। ये तीन चीजें तो मूंग की दाल बना लाए हैं दोस्तों, ऐसे ही पीने के लिए बताइए मूंग की दाल, और बताइए उसमें कोई छौंका वगैरह मत लगाना सुलेखा, पीने के लिए बताइए, पी लो ठीक। बेचारी कभी बिना चुकी दाल नहीं खाती है, सब कुछ खाना पड़ता है जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। ये असर हुआ है तो नहीं, मम्मी तबीयत नहीं सही तो मुदम कर रही है, नमक वमक ज्यादा तो नहीं है भाई, पहले दे बनाई है तब वजह सही है। हमें ज्यादा लगा तुम नमक ना ज्यादा है वो सही है। वैसे मूंग की दाल तो हमेशा जैसे अगर ठीक हो तो भी खानी चाहिए, और जब लोग बीमार पड़ जाते हैं ना तभी मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं, और जब अच्छे वाले में लोग नहीं खाते हैं, लेकिन खानी चाहिए मूंग की दाल, बहुत ही फायदेमंद होती है हर किसी के लिए। और लेकिन सुलेखा को पसंद नहीं है मूंग की दाल है, जबकि हम रखते हैं मूंग की दाल हमेशा एक्स्ट्रा, हमारे खेतों पर मूंग होती है, लेकिन सुलेखा को पसंद नहीं है, लेकिन आज खानी पड़ रही है बेबसी में, इसीलिए तो बोलते हैं मूंग की दाल हमेशा खाते रहो, बहुत ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है मूंग की दाल। बच्चे बोल रहे थे पापा चावल बना लो, तो मैंने देखो चावल और दाल बना दी मूंग की, दरस खा लो अब दोनों खा लो। दरस कैसे बने दाल चावल? बीच में अच्छे बने, अच्छे बने चावल, चलो बीच में बैठ जाते और अच्छे बने। दरस ये बहुत ही कुफरान है, कुफरान नहीं है, हम लाते हैं, हमने मस्त जी रोज मत तो हम मारते
ठीक बड़ो भाई तुम नहीं मारे हो ठीक है वो बड़ो भाई है पहली बात तो चलो खाना खा ले दोनों आराम लड़ाई झगड़ा ना करो ठीक नमक ज्यादा है पापा नमक ज्यादा है खा ले आराम ठीक है हमका बनाते ही खाना दोस्तों शाम के 7:30 हो रहा है समय और हमारे घर पर खाना पीना चल रहा है सुलेखा का डलिया अरे दरस क्या नहीं खाने तेरी दरस यस बात बता पूरी सब कोई सुने क्या बात है मेरे दरस बाबू अच्छा बेटा है सब कोई गंदा बोल रहे हैं दरस दरस बताओ तुम किन के सल्ला रहे हो पापा और किन क्यों रहे और किन को नहीं रहे सुन ले हमारे आएंगे अम्मू को है हमारे नहीं हम पापा ही के रहे बस हमारा पापा है सभी लोग सो गए और हम और यश दो लोग जाग रहे हैं दरस भी सो गया है यश क्यों जाग रहा है क्योंकि मैंने यश को अभी सिखाए थे हिंदी नेम का इंग्लिश नेम बनाना है यश वैसे हमारा बेटा यश है ना होशियार है अच्छा है पढ़ने में दोस्तों आप सभी को गुड नाइट मिलते हैं फ्रेंडली वीडियो में Bye.